प्रेरितों के कामों का वर्णन आठवां अध्याय। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था और सब छोटे से बड़े तक उसे मान कर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। सो वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जाह को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उससे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई बध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है,
अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया।